हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी हम सो के उठे हैं तो उठते ही हमें कपड़े इस्त्री करने पड़ गए हैं क्योंकि हमने जाना है अभी जुम्मा पढ़ने, तो इधर कपड़े वगैरह खुद ही प्रेस करने पड़ेंगे भाई साहब। तो अभी कपड़े प्रेस करके हम नहाएंगे और नहा के जुम्मा पढ़ने जाएंगे। ओके, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अभी हमने नहा लिया जी, तो अभी हम जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने। तो ठीक, ताला मार दे ताला। ये देखें जी, माशाल्लाह रश बहुत ज्यादा है। ऐसे जैसे ईद की नमाज है, लेकिन है ये जुम्मे की नमाज। رواه البخاري ومسلم. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان امرأة وجعل أمانها عاصما بدم المشرك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله، من أمن رجلا على पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। रश बहुत ज़्यादा है, आप ये देख सकते हैं। बहुत रश है यार, गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, पता नहीं क्या मसला है यार। है जी टीम दाल मैच है, तो यह टीम जुजान शहर चो आई है, शिरकल सैफ आसफ भाई कैप्टन है, आसफ भाई ए कैप्टन ने उन्होंने टीम के वेख रहे हो। बहुत ज़्यादा लेट आए ने, लेकिन कोई गल नहीं, हूँ इंशाल्लाह तला साडा टास होएगा तो फिर इंशाल्लाह मैच शुरू होएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। S15 बैटिंग एंड पहला ही कैच, खूबसूरत बॉल यहाँ पर नौमी की, S10 के पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट हासिल करने में कामयाब रहे हैं यहाँ पर नौमी। बेहतरीन किस्म की बॉल थी, एज लगा, खूबसूरत कैच किया यहाँ पर विकेट कीपर S10 के हैं बट साहब, खूबसूरत कैच देने में कामयाब रहे और बड़ी कीमती विकेट। छः ओवर पर मुश्तमल ये क्रिकेट मैच सऊदी अरब के शहर जीजान के मजाफती इलाके अलदाबी क्रिकेट ग्राउंड से बराह रास्त हम आपके साथ मुखातिब हैं। नाजरीन अल सैफ कंस्ट्रक्शन जहाँ अपने काम और नाम में जानी जाती है, वहीं उसके एम्प्लॉज की खूबसूरत टीमें फीफा पहाड़ी, खूबसूरत मंजर, आइडियल क्रिकेट का मौसम। नौमी की अगली बॉल उठा दिया है यहाँ पर स्टेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। ग्राउंड का व्यू कराते हैं आपको। नौमी ने बाल थामी, दोनों शुरू किया, पैर को क्रॉस किया, खूबसूरत बॉल, क्या ही खूबसूरत बॉल है, मुकम्मल तौर पर बीट हुए। बैट्समैन नौमी ओवर की तीसरी बॉल के लिए, नौमी की ये बॉल खेले हैं, 2 रन मिलेंगे यहाँ पर।
आदमी की अगली बाल को फिर उठा दिया है। खूबसूरत शॉट यहाँ पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, मगर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर थी और 6 रन। दो छक्के आ चुके हैं इस ओवर में, मगर कैप्टन आसिफ की विकेट गिर चुकी है S15 की टीम बैटिंग करते हुए। पैड पे लगने के बाद बॉल गई थी विकेट कीपर की जाने पर, कोई रन नहीं मिला। स्कोर किया है भाई 14 स्कोर हुए हैं एक ओवर के इख्तिताम पर। और सामना करेंगे साजिद, बॉलिंग लाइन पे मौजूद हैं मैच का दूसरा ओवर करवाने के लिए शानी। शानी ने दौड़ना शुरू किया, पैर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे शानी की उठती हुई बॉल सीधी विकेट कीपर के पास। राशन यहां पर साजिद बीट हुए और शानी अगली बॉल के लिए। ओ शानी के स्लो पेस आई थी यहाँ पर, स्लो डिलीवरी एक बार फिर साजिद। शानी ने दौड़ना शुरू किया ओवर की तीसरी बॉल के लिए, बॉल वाइड बॉल थी ऑफ स्टंप से खासी बाहर पड़ी थी, अंपायर का इशारा यहां पर वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 15-17 स्कोर। शानी के ओवर की अगली बॉल उठाई है साजिद ने, नीचे आ रहे हैं हाफिज तैमूर, बॉल हवा में घूम रही है और खूबसूरत कैच यहां पर हाफिज तैमूर का, वन हैंड कैच, नामुमकिन को मुमकिन बनाया यहां पर हाफिज तैमूर ने। हवा में बॉल लहरा रही थी, हवा का दबाव बहुत ज्यादा था, मगर हाफिज तैमूर ने आखिरी लम्हों पर बॉल को जज किया, सिंगल हैंड बॉल राइट हैंड पे बॉल ली और यूं इनिंग्स का खात्मा किया। साजिद की दो कीमती विकेटें, ओपनिंग बैट्समैन पवेलियन लौट चुके हैं। जी हाँ शानी को भी यहां पर कामयाबी मिली, 6-6 ओवर पर मुश्तमिल ये क्रिकेट का खूबसूरत मैच, खूबसूरत अरदाबी क्रिकेट स्टेडियम, और सामना करेंगे शानी का। उठाया है इस मरतबा 6 रन के लिए, हिदायत मौजूद जरूर थे मगर उनके सर के ऊपर से बाल सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी। तीसरा छक्का इनिंग्स का, शानी की अगली बॉल स्लो डिलीवरी कामयाब रही। शानी ने इस तरह पर स्लो डिलीवरी करवाई सिंगल के लिए खेले यहाँ पर हाफिज तैमूर, आज पूरी तरह से एक्टिव है फील्ड में और स्कोर बढ़ता हुआ 25 दो ओवर के अख्ताम पर।
5। राणा साहब जी सामना करेंगे नौवीं का, राणा साहब सामना करेंगे नौवीं का, नौवीं कोटे का दूसरा ओवर, इनिंग्स का तीसरा ओवर लेकर आए हैं। नौवीं किस बॉल को खेला है हाफिज तैमूर की जानेब, हाफिज तैमूर की उमदा फील्डिंग, एक ही रन का मौका था, एक रन मिला यहाँ पर। सॉरी स्कोर में स्कोर बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम थी और अभी स्कोर 24 बताया जा रहा है। उल्टास बाल को खेले हैं यार, की करते हो यार, दो फील्डर थे मौजूद, कैप्टन अजहर सरवर और फाकत, समझ नहीं पाए बाल को और चार रन के लिए बाल बाउंड्री लाइन क्रॉस करके एक टप्पा खाया, दूसरा टप्पा खाया, कैच ड्रॉप हुआ। नौमी अगली बॉल के लिए अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे, खूबसूरत बॉल नौमी की, बड़ी ज़बरदस्त पेस है, गोले मार रहे हैं आज नौमी, जिन्हें कहा जाता है तोप के गोले, बड़ी स्पीड के साथ आज नौमी पूरे रिदम में। ओह खूबसूरत बॉल, नहीं समझने दे रहे, लगातार बीट करवा रहे, लगातार तीन बालें बीट करवा चुके हैं नौमी। नौमी के बिल्कुल पीछे फील्डर मौजूद है शानी, उठाया है की डबल होते दो रन मिलेंगे यहाँ पर, डबल डबल 32। विकेट कीपर है बट साहब और स्पिनर लाए हैं कैप्टन सर्वर अजहर सर्वर, अपना हाफिज तैमूर को, हाफिज तैमूर तैयार हुए। तैमूर की बॉल लेग स्टंप से खासी बाहर, वाइड बॉल, अंपायर साजिद का इशारा, खासी तेज हवा चल रही है, बारिश का मौसम जरूर है मगर अब तक क्रिकेट के लिए बड़ा साजगार मौसम। हाफिज तैमूर की अगली बॉल, बहुत बीट हुए यहाँ पर राणा, आगे निकल कर खेला इस बॉल को खूबसूरत अंदाज से, 6 रन के लिए चौथा छक्का अब तक आ चुका है राणा के बल्ले से।
हाफिज तैमूर की अगली बॉल। कैच छूटा, एक रन बना और साथ में दूसरा रन भी हासिल कर लिया मिसफील्ड की वजह से। हाफिज तैमूर एक बार फिर विकेटों के बिल्कुल ऊपर थे बट और यूं राणा की इनिंग्स का खात्मा हुआ यहां पर हाफिज तैमूर की खूबसूरत घूमती हुई बॉल। बड़े अच्छे स्पिनर हैं, पहली बॉल पे भी कैच ड्रॉप हुआ, दूसरी पे बोल्ड कर दिया हाफिज तैमूर जी जान में यहां पर माने हुए स्पिनर हैं, बड़े मंझे हुए एक्सपीरियंस प्लेयर। जहाद मोहम्मद खान सामना करेंगे हाफिज तैमूर का। हाफिज तैमूर की बॉल, खूबसूरत बॉल, अपील की थी भरपूर यहाँ पर स्टंप की और अंपायर ने क्लियर क्लार दिया और एक और खूबसूरत बॉल हाफिज तैमूर की, मगर वाइड बॉल लेग स्टंप से मिस हुई थी, बिल्कुल बॉडी के करीब से गई मगर वाइड बॉल अंपायर का इशारा और हाफिज तैमूर अगली बॉल। तैमूर की ये बॉल फिर एक मरतबा वाइड बॉल करार दी गई, इस दफ़ा हाफ स्टम्प से बॉल बाहर निकल गई थी और बॉल अजमल की जाने है। अजमल बड़े चुस्त फील्डर हैं, खूबसूरत फील्डिंग की और एक ही रन का मौका था। क्या स्कोर बढ़ता हुआ 42। चार ओवर के इख्ताम पर जाद सामना करेंगे शानी का। शानी एक बार फिर आए हैं अपने कोटे का दूसरा और इनिंग्स का पांचवा ओवर करवाने के लिए। शानी की ये खूबसूरत बॉल खेले हैं, शॉट रफाकत की जाना, रफाकत की उमदा फील्डिंग, एक रन का मौका मिला था, एक रन हासिल किया और फोर्टी थ्री पे पांच ओवर की दूसरी बॉल के लिए दोनों शुरू किया शानी ने स्लो डिलीवरी करवाई और खूबसूरत अंदाज से बीट करवा रहे हैं शानी। बड़े किफायती ओवर करवाया था पहला भी और दूसरा भी अब तक। और खूबसूरत बॉल, शानी आए दौड़ना शुरू किया, पैर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे शानी की ये खूबसूरत बॉल मगर एज लगा यहां पर दो रन के लिए। तो
अगली बॉल के लिए तैयार है शानी। फील्डर ने झुकना शुरू किया, शानी ने दौड़ना शुरू किया, नज़र रखे हुए पूरी तरह से बैट्समैन और बेट हुए यहाँ पर। लो फुल टॉस थी मगर पिक नहीं कर पाए और मुकम्मल तौर पर शानी आज बेट कर रहे हैं। कैप्टन आसिफ S15 के हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से जाते हुए और यहाँ पर शानी की एक और खूबसूरत वाह, ओ इमरान की जाने भी, इमरान की उमदा फील्डिंग, एक और ज़बरदस्त ओवर यहाँ पर, बड़ा किफ़ायती ओवर, किफ़ायती ओवर, सिर्फ 4 रन दिए यहाँ पर शानी ने। और सॉरी मैं आपको करेक्शन करता चलूं कि ये मैच 7-7 ओवर पर मुश्तमल है। छठे ओवर के लिए फिर लाए हैं आफिस तैमूर को कैप्टन अजहर सरवर और विकेटों के बिल्कुल साथ हैं मौजूद विकेट कीपर बट साहब, और बट साहब की यहाँ पर बड़ी अच्छी कीपिंग देखने को मिली है। रफाक हिदायत, उसामा शानी, नौमी, ओ इस दफा आगे निकल कर खेला है, खूबसूरत बुलंदो बाला छक्का, बड़ी देर के बाद बैट और बाल का मिलन हुआ, 6 रन के लिए हाफिज तैमूर, ओ जबरदस्त बॉल यहाँ पर, कंप्लीटली बीट किया यहाँ पर है। बड़े उमदा ब्रेकर हैं हाफिज तैमूर, हाफिज तैमूर की इस बॉल को खेला है आगे निकल कर और कैच के नीचे आ रहे हैं विकेट कीपर, मगर कैच खासा दूर था और 2 रन मिले यहाँ पर। हाफिज तैमूर की अगली बॉल को फिर उठा दिया है, आगे पड़ी इस बॉल को खेला है लॉन्ग लॉन्ग सिक्स, स्कोर बढ़ता हुआ 60 तक पहुंच चुका और हाफिज तैमूर इस ओवर में खासे महंगे साबित होते हुए। ये बॉल डॉट हुई, स्कोर बढ़ता हुआ 60। कैप्टन अजहर सरवर खुद आए हैं यानी इसका साथ मोर आखिरी ओवर करवाने के लिए, अच्छे स्पिनर हैं कैप्टन, पहली बॉल खूबसूरत बॉल बीट हुए, शाबा तगड़ा बॉल कर दरा तू भी शाबा,
दी वाह लेग साइड से बाहर थी और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, स्कोर बढ़ता हुआ 61। कैप्टन की अगली बॉल को खेले हैं, ओसामा मौजूद हैं, ओसामा की मिस फील्ड, यहां पर शानी ने बैकअप किया, एक रन बना दूसरा बना और दो रन यहां पर हासिल किए। जहाद सामना करेंगे कैप्टन सर का और कैच यहां पर सीधा विकेट कीपर के हाथों में, खूबसूरत कैच यहां पर विकेट कीपर बट साहब का, खब ज़बरदस्त आज कीपिंग की है, उमदा तरीके से आज टीम को खिलाया। उनका ये ज़ाती यूट्यूब चैनल है और नज़र सर्वर की अगली बॉल वेट हुए कैप्टन की डिलीवरीज अगली बॉल फिर बीट किया यहाँ पर, समझ नहीं पा रहे हैं बॉल बहुत ज्यादा घूम रही है, अच्छी स्पिन करवा रहे हैं, जबरदस्त टर्निंग दे रहे हैं बॉल को और बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं LCFS10 प्रोजेक्ट के कैप्टन आज़र सर्वर। ओ फ्लाइटेड बॉल और लेग स्टंप से बाहर थी, वाइड बॉल करार दी यहाँ पर। ओ एक और वाइड बॉल लेग स्टंप से ऑफ पे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं बॉल को, मगर बॉल सीधी निकल गई और दो लगातार वाइड बॉल। एक और खूबसूरत कैच, लोडा डाउन कैच, मगर खूबसूरत अंदाज से बिल्कुल बैठते हुए ले लिया हाथों में, उमदा कैच यहां पर, खूबसूरत दो विकेटें हासिल की, बेहतरीन किफायती ओवर डाला। 66 करना होगा 15 की टीम को ये मैच जीतने के लिए सिर्फ 7 ओवर में। 42 बालों पर 66 रन करने होंगे अगर ये मैच जीतना है S15 ने और S10 बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवाने के बाद पवेलियन में अपने खेमे में पहुंच चुकी है। A few moments later. मार देखिए एक ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 12। पहला ओवर था जंटी का, बड़ा अच्छा ओवर यहां पर, 12 रन पर सिर्फ दिए जानी ने और जंटी ने और शानी सामना कर रहे हैं। शानी सामना करेंगे दूसरे ओवर की पहली बॉल के लिए आए हैं बॉलर, बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, लेफ्ट हैंड बॉलर खूबसूरत अंदाज से उठाया शानी ने, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, बॉल हवा में तैरती हुई 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, इस छक्के के साथ स्कोर 18। सईद गुल सईद गुल दूसरे ओवर की दूसरी बॉल के लिए दौड़ना शुरू हुए, अंपायर को क्रॉस किया, टू पर पहुंचे, शानी ने उठाया है इस दफा फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और एक खूबसूरत कैच लेकर यहां शानी की इसका खात्मा किया। दो खूबसूरत छक्के देखने को मिले थे शानी के बल्ले से।
रिजवान भाई दरमियान से, दरमियान चाहो दरमियान इमरान लेफ्टी सामना करेंगे सईद गुल का। सईद गुल के इस बाल को खेला है, बुलंदो बाला छक्का यहाँ पर इमरान लेफ्टी के बल्ले से पहला छक्का, तमाशाइयों ने तालियां बजाकर दाद दी इमरान लेफ्टी को। गलत नहीं है दूसरा भैया, तीसरा बाल कर ले बंद किया जो कि बगीचा में ना था एल एल मिला एल तो लेके आए एक मिलेगा एक पे अटैक कर रहे हैं यार कौन बाल है कल के भाई हम टाइम निकल देना यार चार पांच बाल करो 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 वो गए ना रफा को, दो आदमी तो गए हुए। सईद गुल सामना करेंगे इमरान लेफ्टी। इमरान लेफ्टी ने उठाया एक बार फिर खूबसूरत, एक और खूबसूरत शॉट और खूबसूरत छक्का। चलो वो बॉल में इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। ओयो फिरदा शुरता ले गया, अंधा शुरता कितने हो गए 30। ओयो शुरता है बाहर, इधर आ जा। स्कोर 30। सईद गुल की अगली बॉल स्लो बॉल डाली थी मगर इमरान ने आगे खेल निकल कर एक और खूबसूरत शॉट यहां पर एंट्री की है छक्कों की इमरान लेफ्टी ने। दूसरे ही ओवर में स्कोर को पहुंचा दिया है 36 पर, टोटल करना है 66 सात ओवर में जबकि दूसरा ओवर जारी है सईद गुल का। इनिंग्स का भी दूसरा ओवर, सईद गुल का पहला ओवर और एक और खूबसूरत शॉट, एक और छक्का। चलो पांच हो गए, शाबाश बहुत अच्छे। आजा खाले दे। चार छक्के लगे हैं यहाँ पर, पांच छक्के लगे हैं मजमुई तौर पर यहाँ पर सईद गुल के इस ओवर में और 42 स्कोर। सिक्सटी सिक्स करना है जीतने के लिए, 65 किया था S15 की टीम ने सात ओवर में और इमरान लेफ्टी के मुसलसल चार छक्कों ने मैच का नक्शा पलट दिया है। सामना करेंगे अब टॉलमैन नोमी, स्पिनर को लाए हैं कैप्टन नासिफ, स्पिनर को यहाँ पर अच्छा एडवांटेज मिलता है। ओ व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द डे, वाओ नोमी का जोरदार छक्का। 48 स्कोर हो चुके हैं, तीसरे ओवर की दो बॉलें हुई हैं। अगली वाह हॉल्स और स्लो डिलीवरी थी, बिल्कुल उमदा उमदा बॉलिंग यहाँ पर। एज लगा और सीधा कीपर के हाथों में, यहाँ पर नौमी की इनिंग्स का इख्तिताम हुआ और कैप्टन अजहर सर्वर खुद आए हैं। खूबसूरत शॉट, पहले जाते ही खेल दिया है 6 रन के लिए कैप्टन अजहर सर्वर ने। बॉल को मूव होने का टाइम ही नहीं दिया, पड़ती हुई बॉल को ही उठा लिया है। ओ एक और खूबसूरत शॉट, एक और खूबसूरत छक्का। 60 स्कोर हो चुका है, तीसरा ओवर कंप्लीट हुआ और यूं ये मैच फिनिश हुआ। अभी 3 ही ओवर में, 7-7 ओवर पर मुश्तमिल ये मैच था। 3 ओवर में S10 ने पहला ये मैच जीत लिया, खूबसूरत मैच खेला यहाँ पर।
इस टूर्नामेंट का बेहतरीन मैच वन साइडेड कर दिया यहाँ पर इमरान लेफ्टी और कैप्टन अजहर सरवर ने।